इस रात्रि में मैंने होलिका के दहन की रात्रि को के उपलक्ष्य में मैंने 4-5 ऐसी साधनाएं दी हैं। आजकल हम देख रहे हैं हम भयग्रस्त हैं, हमारे में वीरता नहीं है, हमारे में साधना करने के पहले हम विचार करते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज वो कहेगा ये कहेगा, या हमारे हम कोई इच्छा करते हैं। आजकल क्या थोड़े लोग देखते हैं कि अप्सरा साधना करनी है तो छुपा के करते हैं, भाई क्यों अप्सरा की साधना, अरे लोग क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, अप्सरा की साधना, मैं बैठी हूँ अप्सरा यहाँ, तुम दूसरे अप्सरा की साधना क्यों कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, अप्सरा साधना करने का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर का कायाकल्प होना। ये साधना स्त्री भी कर सकती है, यक्ष भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, किन्नर भी करते हैं। इन साधनाओं में ये साधना करने पर हमारे शरीर का कायाकल्प अप्सरा करते। आपने देखा है जो तपस्या ऋषि मुनि थे, तपस्या करते समय इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। इसका अर्थ हमने गलत ले लिया कि अप्सरा को भेजकर उनकी तपस्या भंग की जाती है, इसका अर्थ नहीं। जिस तपस्या के कारण उनका शरीर सूख जाता था, उस शरीर को फिर पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए अप्सरा आती थी, अमृत लेकर उनको वह निश्चिंतता और वह शक्ति प्रदान करती थी जो उनकी तपस्या के लिए आगे हो। इसका हमारे पास उदाहरण देकर कहा कि अप्सरा एक गलत चीज़ के रूप में हमारे पास हमारे सामने उसका उदाहरण दिया गया। चाहे गंधर्व हो, गंधर्व ऐसे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं तुम्हारे को किसी भी लोक में ले जाकर तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। गंधर्व भी एक ऐसे गण है जो तुम्हारी आवाज़ को सुरीला बनाते हैं, तुम्हारे शरीर को सुंदर बनाते हैं, और तुम्हारे जीवन में जो शरीर में रोग आदि न आते हुए उसको एक विशिष्टता के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ये गंधर्व है। यक्ष हैं, यक्ष समारे को धनधान्य और एक अदृश्य चीज़, अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, उन्हें यक्ष कहा गया है। और ये यक्ष के अधिपति ही भगवान शिव ने कुबेर को, भगवान शिव जी का इसकी आराधना करने पर कुबेर जी को, जो कि पौत्र है ऋषि के पुलस्त महामुनि के, वो भी वैश्रम और वैश्रवा के पुत्र हुए रावण, और रावण इधर रावण कुंभकर्ण आदि हुए, और उधर वैश्रम के पुत्र हुए कुबेर, ये भी पोते थे पुलस्त महर्षि के, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त के। तो इस प्रकार कुबेर को भी भगवान शिव जी ने आज के दिन ही उस विशिष्ट साधना को करने के बाद उन्हें कोषाधिपति, भगवान देवताओं के कोष का अध्यक्ष बनाया और कोषाधिपति बनाया, और धन धान्य का श्रेष्ठ हुआ। और उन्हें कहा कि हे कुबेर, तुम जब भी चाहो, जिसे भी चाहो, जितना भी धन देना चाहो, तुम्हें जो प्रसन्न करता है उसको धन धान्य से भरपूर रहेगा। इसलिए हमारे पास कुबेर साधनाएँ भी है। और यक्षिणी की साधनाएँ, यक्षिणी का अर्थ होता है कि जिस वृक्ष के ऊपर सारी यक्षिणियों का वास होता है, हर वृक्ष यक्षिणी, पिपल यक्षिणी, चिंचिणी यक्षिणी, वट यक्षिणी, ये सारी यक्षिणियाँ अपने अपने वृक्षों पर वास करती है। और जिस वृक्ष को कुल्हाड़ी नहीं रखती, ऐसे वृक्ष के नीचे और कोई साधक जाकर उससे संबंधित यक्षिणी की साधना करता है, तो निश्चित रूप से वो यक्षिणी उसको सिद्ध होती है, और उसके अदृश्य रूप में उसके साथ रहकर संसार में अलौकिक सिद्धियाँ उसे प्रदान करती है। जो अलौकिक कार्य एक मानव नहीं कर सकता, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता यक्षिणी के पास है, जो यक्षिणी सिद्ध करें उसके लिए। इस प्रकार अप्सराएं भी हैं, अप्सराएं वो है अमृत तत्व का भाण, इंद्र के पास रहकर अमृत तत्व को लेकर तपस्या करने वालों के जीवन में अप का मतलब होता है जल, रस होता है, जल से जो रस तैयार किया जाता है उसे अप्सरा कहा गया है। वो जल उनके ऊपर रसित करने वाली है, उसको ऊपर देने वाली, उसे अप्सरा कहा गया। जो अप्सरा आज के दिन अप्सरा की साधना कर संपन्न करता है, वो श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन में किसी रोग राई के साथ न बंधते हुए एक सुंदरता का जीवन जीता है। सुंदरता का यह अर्थ नहीं कि गोरा होना या अच्छा रहना, तुम गोरे रहो कुछ भी रहो, लेकिन तुम्हारे में अगर बीमारियां हैं तो तुम्हारी कोई सुंदरता कुछ काम नहीं करती। और तुम कैसे भी रहो, तुम्हारा संस्कृत दृढ़ है, बिना बीमारियों के, बिना रोग के अगर तुम जी सकते हो तो वह तुम्हारा सुंदर और शरीर सुंदर है, तपस्या युक्त है, साधना युक्त है, और भगवान को प्रिय वह शरीर है। बीमारियों का शरीर तुम कितने भी सुंदर होने पर भी भगवान के पास जाकर तुम साधनाएं संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि व्यर्थ और विकारयुक्त जीवन तभी होता है। गुरु जी मुझे बहुत बुखार आया, इसलिए आज मैं स्नान नहीं किया तो भगवान के पास नहीं जा सका, भगवान के पास नहीं जा सका तो साधनाएं आदि में संपन्न होगी, कपड़े नहीं धो सका, शरीर को धो नहीं सका, ना अंतर्मन से धो सका, ना बाहर से शुद्धि हो सका, तो मैं भगवान की साधना किस तरह कर सकता हूँ। सुंदरता उसे कहा गया है जो शरीर स्वस्थ हो, जो शरीर बीमारियों और इससे एकदम छूटा हुआ हो। और जिसका शरीर स्वस्थ होता है वो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कर सकता है, और जिसकी कुंडलिनी जागरण थी उसको ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी गुरु उनके उसके सहस्त्रार में बैठे हुए मिलते हैं।
महालक्ष्मी, महासती, महाकाली जो उनके मूलाधार में है, इन दोनों का मिलन ही कुंडलिनी जागरण की क्रिया को कहा गया। और इसके लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, और इस स्वस्थ शरीर को अपने को प्रदान करने वाले ये सारे गण हैं। कौन कौन गण हैं? भूत गण हैं, प्रेत गण हैं, पिशाच गण हैं, यक्ष है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं। ये सारी जो गण गणिकाएँ हैं ये तुम्हें कहती हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम जिस देवता के पास जाना चाहते हो हम तुम्हें उस देवता तक ले जाते हैं। और जिस दिन हम देवता के पास जाने के लिए क्षमतावान हुए, हम उस देवता को प्रार्थना करेंगे तो देवता हम पर प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारा शरीर ही बीमार है, हमारी मानसिक संतुलनता खो गई है, हमारा शरीर कुछ काम नहीं करता, हमारे पास धन का अभाव है, हमारे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, अगर मैं कहूँ तुम्हें साधना करो, तपस्या करो, तो तुम और काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस चिंता में बैठे हो। घर में बेटियाँ शादी के लिए है और मैं उन्हें कहूँ कि तुम साधनाएं करो, तो कहते हैं प्रभु ये इन बेटियों की पहले शादी कर दो, आप जो कहेंगे मैं आश्रम में आकर रहने के लिए तैयार हूँ। आप कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि आप जीवन में ऐसे उलझे हुए हैं कि उस जीवन से बाहर आने की क्रिया जब तक नहीं होती तब तक आप आगे, और इस जीवन से आगे आने के लिए जो यक्ष कुंडलिनी के लिए एक यक्ष श्रेष्ठ कहा गया है, उस यक्ष की साधना जो करता है वो उस अपनी कुंडलिनी की जागृत करने के लिए वो श्रेष्ठता को प्रदान करता है, श्रेष्ठता प्राप्त करता है, स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है। और इसके लिए वो प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करनी है वो आज मैंने इस प्रकार की 6 साधनाएँ आपके जीवन में दी है, जिसके लिए अगर हम काशी को जाते हैं तो पहले भैरव को नमस्कार, जो कोतवाल है भैरव को नमस्कार करके शिव जी के पास जाते हैं। उसी प्रकार हर एक देवता के अपने अपने गण हैं, चाहे आप माता लक्ष्मी के पास जाओ, माता पार्वती के पास, किसी शक्तिपीठ में जाओ या कहीं भी जाओ, तो उनके भैरवों का दर्शन बिना लिए या उनके भैरवों की शक्ति को बिना प्राप्त किए आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए आज मैंने विशिष्ट एक भैरव साधना प्रदान की है, जिस भैरव साधना को करने के बाद आप इस वर्ष पूरे वर्ष में कोई भी महाविद्या की साधना या कोई लक्ष्मी साधना संपन्न करो, आपको डायरेक्ट मंत्र करने के लिए अधिकार हो जाता है। उसके लिए एक होली की रात्रि की हुई भैरव की साधना तुम्हारे को वर्ष भर के लिए कोई भी साधना करने के लिए निश्चित रूप से भय रहित होकर आप उस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसी भैरव की रक्षा साधना मैंने आपको दी है। और उन स्त्रियों को जो स्त्रियाँ अपने आप को बीमार समझती हैं, सौभाग्य के लिए उनके जीवन में सौभाग्य क्या होता है, सौ प्रकार का भाग्य क्या क्या होता है, उसका शरीर का सुंदर होना, अपने शरीर में पुत्र पौत्रों को देख सकना, अपने शरीर में अच्छा अन्न खाना, अन्न वगैरह प्राप्त करना, अच्छे कपड़े प्राप्त करना, अच्छा घर होना, अच्छा गृहस्थी होना, पुत्र पौत्र होना, माता पिता होना, ये सौ प्रकार के भाग्य है। इसको सौभाग्य कहा गया है। अपन जैसा चाहते हैं वैसे ही पुत्र हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही पति हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही घर हो, सुख सुथरा घर हो, इसे सौभाग्य कहा गया है। उस सौभाग्य साधना के लिए मैंने कामेश्वरी साधना नाम की कामाख्या साधना दी। कहते हैं कि कलयुग में जब द्वापर में कृष्ण भगवान ने रासलीला की थी और होलिका दहन के बाद सारी गोपिकाओं को और अपनी अष्टभार्याओं के साथ रुक्मिणी को कहा था कि तुम योनि रूप में योनि का नमस्कार करते हुए होलिका भस्म लगाकर योनि स्तोत्र का पाठ करके तुम आज कामेश्वरी साधना करो, हजार गुगुल की आहुतियाँ देकर सुगंधित कामाख्या को सुगंधित करो, योनि स्तोत्र करो और इसका पाठ करो, तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी विधवा नहीं होगी या तुम्हारे शरीर कभी निरोगी नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि तुम्हारे जीवन में दुखी जीवन या तुम बिना घर के बिना पुत्र पोत्रों के तुम्हारा जीवन नहीं होगा, जो ये कामेश्वरी या कामाख्या की साधना संपन्न करते हैं। ऐसी एक श्रेष्ठ साधना मैंने आज इस होलिका रात्रि को दी है। वैसे ही विशालाक्षी की एक यक्षिणी साधना मैंने दिया है, जिससे अपने को धन धान्य क्षेत्र फल फूल अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, अच्छा घर हो, उस घर में अच्छा सा बगीचा हो, उस घर में फूल फूलों से घिरा हुआ घर हो, फलों से लदा उगता घर हो, जो फल फूल आदि चाहते हैं और अपने घर में एक सुगंधित वातावरण चाहते हैं वो लोग उस यक्षिणी की साधना कर उसे विलासिनी यक्षिणी कहा गया है। उस यक्षिणी की साधना करने वाला मनुष्य संपन्नवान होता है, उसको कभी नौकरी का मुँह देखने नहीं पड़ता, वो चाहता है उतना पैसा उसके घर में विलासिनी यक्षिणी प्रदान करती है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन उस यक्षिणी की साधना को पूर्ण रूप में आज की रात्रि में संपन्न करें। जो लोग आज की रात्रि वो साधना संपन्न नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि रंगपंचमी तक, आज से लेकर आज कल रंगपंचमी तक होलिका के ही दिन कहा गए हैं, होलिका का भस्म जब तक हवा में पूरी तरह से उड़ नहीं जाता उस 5 दिन को भी होलिका के दिन ही कहे जाते हैं। हम होलिका जलाने के बाद जिस भस्म को हम अपने माथे पर लगा लेकर आज कोई भी साधना, जैसे यक्षगंधर्व अप्सरादि साधनाएं मैंने जो दी है वो संपन्न करते हैं, वो अपने जीवन का भाग्य बदलने की क्रिया करते हैं। एक वर्ष के लिए
उनके जीवन में ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा कि जो हम असमर्थ हैं, हम बीमार हुए, गुरु जी हमारे घर में बीमारी छा गई है, हम हमारे से नहीं होता। इस असमर्थ बातों को तुम नहीं करते। तुम्हारे जीवन में अगर किसी प्रकार का विजय चाहते हो, तुम एक विजय दिवस चाहते हो, तुम्हारे घर में एक श्रेष्ठता चाहते हो, तो तुम आज भैरव की साधना संपन्न करो। इसके बाद तुम विजय दुर्गा साधना हो, इसके बाद तुम्हें श्रेष्ठता के साथ विजय लक्ष्मी की साधना हो, विजय दुर्गा साधना हो और महाकाली की विकाली विजय साधना हो, इसको संपन्न कर सकते हैं। और इसको संपन्न करने वाला व्यक्तित्व, इस संसार तुम चाहे MLA के खड़े रहो या MP को या और कुछ भी तुम्हारे जीवन में व्यापार में श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हो, तो वो निश्चित रूप से आज की लक्ष्मी साधना और उसी तरह भैरव की साधना निश्चित रूप से संपन्न करें। उनके जीवन में वो इच्छाएँ पूर्ण करेंगे जो वो चाहते हैं। आज मैं आज के दिन कहता हूँ कि ऐसी साधनाएँ संपन्न करने वालों के लिए एक बार माता पार्वती ने देव और दानव दोनों भी खड़े हुए थे और देव दानवों को खड़े होते हुए देव दानवों ने कहा था कि हमें कुछ ऐसी साधना संपन्न करने के लिए दो जिस साधना के साथ हम निरोगी काया के साथ हम जीवन जिए, हमें एक श्रेष्ठता का जीवन जिए, ऐसी साधना संपन्न करने का आशीर्वाद दो। तो शिवजी माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ऐसी साधना संपन्न करने का हमें अवसर दो। तो शिवजी कहते हैं कि ये सब साधकाएँ तेरे सामने जो बैठे हैं, ये सब सोने वाले साधक हैं, इसमें नींद इनको दी नींद बहुत आती है, ये भूख के लिए तरसते हैं, नींद के लिए तरसते हैं, और ये लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं करते। ऐसे साधक के लिए साधना बोलना कोई विशेषता नहीं रह सकती। उनमें अगर विश्वास है, उनमें अगर श्रेष्ठता है, अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, अपने साधनाओं के प्रति निष्ठा है, तो इन सभी को जब जीतेंगे तभी वो साधना कर सकेंगे या साधना को प्राप्त कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, मैं तेरे सामने एक छोटी सी युक्ति करता हूँ। उन्होंने कहा क्या युक्ति है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एक विजेता का कारण करना चाहिए और इसमें एक एक जो अपनी अपनी सहायता जिसको लोक कल्याण की भावना हो उसमें यह साधना संपन्न करने की श्रेष्ठता प्राप्त होती है और लोक कल्याण की भावना जिसमें नहीं है वो मैं आज उसको ये साधनाएँ संपन्न करने नहीं देता। तो उन्होंने कहा माता पार्वती जी ने कि फिर इसके लिए क्या करना होगा, देव दानव दोनों भी बैठे हुए थे। तो शिव जी ने कहा कि मैं यहाँ 100 लड्डू रखता हूँ और तुम्हारे हाथ को लकड़ी बांध देता हूँ, एक घंटे के अंदर आप सब लोग मिलकर वो 100 लड्डू खा लेना। 50 दानव थे, 50 देव भी थे, दोनों भी खड़े हुए थे और कहा इस हाथ को, और उसी हाथ से लड्डू खाना है। अब इस हाथ को लकड़ी बांध दे तो लकड़ी ऐसा मुँह तक आए ही नहीं ना। उन लकड़ी बांध दी और कहा कि तुम्हें वो लड्डू खाना है। बोले तारो पहले हम खाएंगे, क्योंकि वो लोग खाने के लिए तो आए। दानव एक दाना लिया, लड्डू लिया, मुंह में डाल देगा, कभी मुंह में लगा, कभी नाक को लगा, कहीं लगा। आखिर में आधे घंटे का समय हो गया लेकिन लड्डू खाए नहीं और वो देखते हैं क्या कि वो हार गए। शिवजी ने कहा देख पार्वती, मैंने तो ये कहा ये क्या लोक कल्याण करेंगे। अब उसमें उसके बाद उन्होंने कहा देवताओं की बारी आई तो देवता कहेंगे अपने भी हाथ बंदे हो यार, हम कैसा खाएं। तब उन्होंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी कि हमारे को साधनाएं प्राप्त करने के लिए हे गणेश जी निर्विघ्नता प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम इस जीत में जीत जाए और शिव जी हमें साधनाएं संपन्न करवाने के लिए आशीर्वाद दें। तो जैसे ही उन्होंने ये आशीर्वाद की बात कही, गणेश जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, चलो लड्डू उठाओ। एक एक देवता उठाते गए, अपने दूसरे के देवता के मुँह में लड्डू लगाता गया और सब सारे लड्डू खत्म हो गए। तब उन्होंने कहा कि देख लोक कल्याण के लिए जो दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखता है उसको ये साधनाएं संपन्न करने की क्रिया देनी चाहिए, और उन्होंने वो साधनाएं संपन्न करने को उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार तुम्हारे में साधनाएं देने के लिए तुम्हें जब तक ये बात ना कहूँ कि तुम्हारे में लोक कल्याण की भावना है, एक को खत्म ही करना है, एक इसका नाश ही करना है, ऐसी साधनाएं अगर तुम इस साधना का उपयोग करोगे तो साधना लेने या देने में या साधना सिद्ध होने में कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार तुम्हें साधना सिद्धि करने के लिए पहले लोक कल्याण की भावना रखनी है। पहले ये भावना रखनी है कि मेरा स्वस्थ शरीर हो तो मैं 4 लोगों को सहायता कर सकूँ, मैं 4 लोगों की दीनता को समाप्त कर सकूँ, मैं 4 लोगों के लिए उपयोगी हूँ, यह भावना अगर रखकर तुम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हें साधना सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आज चाहता हूँ कि आप सभी को मैंने जो साधना आज दी है वो होलिका दहन के बाद हम उस भस्म को लगा लेकर हम इस साधना को संपन्न करेंगे। आज के दिन मैंने कृष्ण भगवान जब ये साधना संपन्न करवा रहे थे तो त्रेता युग में अपनी राधा और गोपिकाओं को उसके साथ अष्टभार्याओं को कहा कि माता पार्वती को आप प्रार्थना करो। इसलिए प्रार्थना करो कि होलिका का दहन जो रावण की बहन कहलाती थी उसका दहन हो गया, जिसके वशिष्ठ महर्षि ने भी जिसका दहन सत्य युग में किया, जिसका त्रेता युग में भी दहन हुआ, वो रावण का युग था
और कृष्ण के युग में जब ये होलिका दहन हुआ और रासलीला हुई उसमें रस उत्पन्न हुआ, तो उस रस में उत्पन्न करने के लिए माता कामाख्या को कामेश्वरी देवी का स्मरण करो और योनि स्तोत्र का एक बार पाठ करते हुए गुगुल की धूप, गुगुल का धूप अगर तुम देते हैं 1000 गुगुल का धूप जो स्त्रियाँ देती है, इसे 5-5 लोग 5000 आहुति देती है, वो निश्चित रूप से सौभाग्य को प्राप्त करती है। ऐसा माता कामाख्या ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भारियाओं गोपिकाओं से कहा था कि जो आज होली के दिन गुगुल का धूप से 1000 आहुति प्रदान करती है उनके जीवन में उनको श्रेष्ठता प्रदान करते हुए उनको सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र घर आदि सब धन धान्य अलंकार आदि सबको सब प्रदान करने के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने अष्ट भार्याओं को गोपिकाओं के साथ कहकर वह साधना संपन्न करवाई थी, उसे कामेश्वरी साधना या कामाख्या साधना कहा जाता है। योनि मुद्रा करते हुए होलिका जलने के बाद जो भी पुरुष हो स्त्री हो सौभाग्य यानी सौ तरह के भाग्य को प्राप्त करने वाला इस साधना को संपन्न करता है तो अपने पुत्र पोत्रों को, अपने धन धान्य को, अपने घर गृहस्थी को सबको सुखा के सुखता के साथ देखने के लिए वो कामेश्वरी साधना भी मैंने दी है। शरीर की रक्षा के लिए भैरव साधना संपन्न की करने को दिया है और विलासिनी यक्षिणी साधना इसलिए दी है कि तुम्हें जब लगता है कि मैं अकेला हूँ, समझो जंगल में जा रहे हैं या कहीं प्रयाण करके जा रहे हैं या कहीं बास के सामने जा रहे हैं तो 4 लोगों को लेकर कर जा नहीं सकते, अपने नौकरी के स्थान पर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तब अगर विलासिनी यक्षिणी साधना सिद्ध करते हो तो तुम्हें वो 1000 लोगों का बल देती है और वो जो सामने वाला तुम्हारा वो कितना बड़ा भी बास हो या कोई भी हो वो तुम जो कहते हो वो बात सुनेगा। उसे विलासिनी यक्षिणी साधना जो संपन्न करता है, जो मालिक हो, जो किसी के साथ हो, किसी के पास भी जाने वाली जो विलासिनी यक्षिणी साधना संपन्न करते हैं उसके बाद वो सब लोग सुनते हैं जिसके सामने आप जाते हैं, इसे विलासिनी यक्षिणी साधना कहा गया। ऐसी मैंने 4-5 साधनाएँ आज आपके लिए दी है और वैसे तो आपको पता है मैं हर होली को विशिष्ट रूप की साधनाएं मैं स्वयं करता हूं, इसलिए करता हूं कि मेरा यह वर्ष उस वीरता के साथ जाए, मैं असमर्थ जीवन नहीं जीऊं, असमर्थ जीवन से भी मृत्यु को मैं लेने के लिए तैयार हूं लेकिन असमर्थ कभी जीना नहीं चाहता और इसी कारण मैं होली के दिन उस विशिष्ट साधना को संपन्न करता हूं और आपको भी कहता हूं कि कभी असमर्थ ना जिए, जिए तो समर्थवान जिए और अपने गुरु का नाम रखें। गुरु का नाम 4 लोग बोल लें कि ये साधनायुक्त जीवन जीने वाले ये प्रकृति इनको छू भी नहीं सकते, ये कहीं भी अकेले भी जाएंगे समूह बनकर भी जाएंगे तो ये अपना नाम उजागर कह जाएंगे, अपनी राह अपने बनाने वाले कहलाए जाएंगे। ये गुरु जी का बार बार कहते थे, गुरु जी कहते थे कि हम किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम अपनी पगडंडी पर अपनी पगडंडी बनाएंगे। जैसा शेर होता है वो अपना रास्ता चुनता है, वो किसी इसके बात पर नहीं जाता, उस प्रकार एक सामर्थ्यवान जीवन जीने के लिए आप भैरव की साधना आज संपन्न करें और उसके साथ पहले गुरु मंत्र जप की दीक्षा ले लें और उसके बाद गुरु मंत्र की ओर उस रक्षा साधना संपन्न करें। उसके बाद मैंने जो साधनाओं का आज विशेष रूप से आप सभी को दिया है उस विशेष साधनाओं के लिए पहले मैं आपको गुरु दीक्षा देता हूँ और उसके बाद होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो साधनाएं संपन्न की जाएगी जो साधनाएं मैंने दी है। आपकी इच्छा अनुसार आपको जो साधनाएं संपन्न करनी है उस यंत्र को या उस स्वर्णमय गुटिका को आपके पास साथ रखकर आप उस साधनाओं को संपन्न करें। मैं ऐसा आप सभी को आज के दिन आशीर्वाद देता हूँ। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। ओम ओम क्रीम निखिलेश्वराय क्रीम ओम ओम क्रीम निखिलेश्वराय क्रीम ओम। इस मंत्र को आप 11 बार बोल लेकर कोई भी आज